अब हमारा, जैसे आपको पता है, अभी हमने सनासर में कैंपिंग की थी, अब हम निकल रहे हैं नेक्स्ट जर्नी के लिए अपनी। अब हमारी ट्रैवलिंग जो हम करने वाले हैं वो भदरवा की ओर, देखते हैं अब हम वहाँ कहाँ कैंपिंग करते हैं। तो चलो हम आपको लेके चलते हैं आज भदरवा। गाइस, अभी हमने पत्नी टॉप जो है वो क्रॉस कर लिया हुआ है, तो अब हम बटोत की ओर बढ़ रहे हैं। हम उसी रोड पे हैं। यहाँ पे आप देखो कितने सारे ट्रक हैं, ये ऑयल वाले हैं, मेरे ख्याल में पेट्रोल वाले ट्रक हैं, बहुत सारे ट्रक हैं। बहुत लंबी लाइन पीछे से लगी आ रही है, हम पीछे से आ रहे हैं, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा कवर करके आपको दिखाया जाए। यहाँ पर कितने सारे जो ट्रक हैं, सारे के सारे ऑयल वाले ट्रक यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये शायद मुझे लगता है रात को 8 बजे के बाद निकलते हैं ना शायद। तो इस टाइम आगे से गाड़ी आ रही है, तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता होगा दो गाड़ियों का निकलना। मौसम बहुत अच्छा बताओ, बट मौसम तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, आगे शायद बटोत में और भी ठंडा होगा। ये तो है कि जम्मू की गर्मी हम भूल गए हैं, कल के आए हुए हैं ठंडे ठंडे मौसम में, हमने स्टे भी किया, कल पूरा दिन रहे, तो अभी भी यहाँ पर ठंडा ही मौसम है और आगे भी ठंडा ही मौसम होगा जिस तरफ हम जा रहे हैं। तो जम्मू की गर्मी फिलहाल तो हमें भूल गई है, जब वापस जाएंगे तो तब शायद हमें वो और ज़्यादा परेशान करे जितना पहले परेशान कर रही थी। उम्मीद करते हैं हम जब जम्मू जाएँ तो वहाँ पर भी क्लाउडी होगा एटलीस्ट एक दिन के लिए, कि हमें थोड़ा सा वहाँ पे वापस से मिक्स होने में जो है इजी हो जाए। तो ये यहाँ पर पानी है बहुत सारा, पता नहीं बारिश तो नहीं हुई लगती है, शायद ऊपर पहाड़ों से पानी आ रहा है। देखो लंबी लाइन लगी हुई है, आप देखो हम कब से चल के आ रहे हैं, तो बहुत ट्रक हैं, बीच में कुछ ट्रक जा भी गए आगे, बट बहुत ज्यादा ट्रक हैं। आपको आगे तक दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके दिखाओ इनको, वो आगे तक लाइन लगी हुई है, आगे आपको बहुत दूर एक मोड़ दिख रहा होगा, हम आगे से इतना बड़ा टर्न लेके जाने वाले हैं, पूरा वहां तक लाइन जो है इन ट्रक्स की लगी हुई है। शायद मुझे लगता है ये शाम को 8 बजे के बाद निकलते हैं, कुछ टाइमिंग का होता है इसलिए इनको आगे जाने नहीं दिया जाता, बट सारे ही ऑयल के ट्रक हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि सारे ही ऑयल के ट्रक हैं। सबके सब ऑयल के ही ट्रक हैं ये इतना ऑयल कहाँ जा रहा होगा सारा कश्मीर। हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, जैसे आपको दिखाया था चाय बना के साथ में रख ली थी। अभी हमने बटोत जो है वो क्रॉस कर लिया हुआ है, तो अभी हमने रोड साइड पे गाड़ी लगाई है, बारिश छोटी छोटी बारिश हो रही है, तो अब हम ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। मैंने इनको चाय डाल के दी है, लेकिन ये मेरी चाय के साथ बिस्किट खा रहे हैं, ये गलत बात है, मेरी वीडियो बनाने का फायदा नहीं उठा सकते हो। आप भी मेरी चाय भी मेरी। ये कोई वो नहीं है थ्योरी, मेरी चाय मतलब आप। चलो हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम वापस आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेकफास्ट करके हम वापस निकल चुके हैं अपनी ट्रैवलिंग पे। बारिश जो है वो हो रही है, बादल काफी गिरने लगे हुए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मजा आ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। वो देखो लोग पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, बाइक पे भी लोग सवार है बारिश में। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये नीचे चंद्रभागा चेनाब नदी, कितने खूबसूरत पहाड़ है। और बारिश के बीच हम बढ़ते हुए अपने मंजिल की तरफ। गाइस, अब जो ये हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये चिनाब है जो बहता आ रहा है,
और इसको चंद्रभागा भी कहा जाता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो इस टाइम बारिशें हो रही हैं, तो कितना पानी जो है इसमें भरा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है देख के। वैसे ज्यादा पानी डरावना भी लगता है। गाइस हम डिस्ट्रिक्ट डोडा में एंटर कर चुके हैं और बारिश की स्पीड भी जो है वो बढ़ गई है। बारिश पड़ने से थोड़ी सी हमें टेंशन भी हो रही है कि हमें लोकेशन जो है वो कहाँ मिलेगी, मिल भी पाएगी कि नहीं, से बात है। और ज़्यादा बारिश ना पड़े क्योंकि आप तो जानते ही हो ये हिली एरिया है और बारिश ज़्यादा होने से लैंडस्लाइड का बहुत खतरा रहता है। तो मुझे ये लगता है कि शायद बरसात में हमें हिली एरिया में आना नहीं चाहिए, कम ही आना चाहिए, खासकर अगर ये कैंपिंग वगैरह के लिए आना है, कोई ज़रूरी काम हो तो ही आना चाहिए। कैंपिंग वगैरह के लिए मुझे लग रहा है बरसात सूटेबल नहीं है, और बारिश को देखते हुए तो मुझे यही लग रहा है कि बरसात जो है वो आ चुकी है, मानसून जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी बारिश हो रही है। हाँ मौसम का मज़ा तो आ रहा है, बारिश मज़ा तो देती है, खुशी तो देती है, अच्छी तो लगती है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी हो जाए तो नुकसान कर देता है। खैर देखते हैं बारिश रुकती है या कम होती है और हमें कहाँ लोकेशन मिलती है। ये क्या हो रहा है, ठीक है रोड का काम चल रहा है, मुझे लगा लैंडस्लाइड तो नहीं हो गया, नहीं फिलहाल तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हो ना दुआ की। अभी गए हम पहुंच चुके हैं डोडा पुल में, तो जो ये पानी है चिनाब का जो यहाँ पर बहता आ रहा है, अब सर देखो कितना ऊंचा हो गया है, दोनों तरफ से ये पुल के साथ टच हो रहा है, बीच में से पुल का डिजाइन थोड़ा ऐसा कि उधर से नहीं हो रहा, बट बहुत ज़्यादा पानी जो है वो बड़ा हुआ है आप देख सकते हो, और अभी भी बारिश जो है वो गिर जा रही है, पता नहीं और लेवल बढ़ेगा पानी का क्या होगा। हम आगे आपको सुनाएंगे पानी का हालत चल रहा है। तो फिलहाल हम डोडा पुल पहुँचे हैं, अब हम यहाँ से आगे चलेंगे, देखते हैं कि जैसा बारिश का मौसम है कहीं हमें होटल ही ना बुक करना पड़ जाए। वैसे तो हम चाहते हैं कि बारिश रुक जाए और हमें अच्छी सी कैंपिंग लोकेशन मिल जाए और हम सच्ची तरह आज नया एक्सपीरियंस लिए अपनी कार कैंपिंग का, देखते हैं जब आप बताते हैं। गायल अभी हम भद्रवा सिटी में पहुंच चुके थे, वहां से अंदर हम चिंता वैली की ओर जा रहे हैं। आप देखो कितना सुंदर व्यू है, जो नीचे इनका विलेज या टाउन आप जो भी समझो सिटी, कितने सुंदर लग रहे हैं ये घर, ऊपर पहाड़, वो बादल उठते हुए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त व्यू। आप आओगे ना बाय आई देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, जरूर करना, अच्छी जगह है। बस थोड़ा सा बारिश है तो दुखी कर रही है, वैसे अब थोड़ी कम होती नजर आ रही है, देखते हैं कि बढ़ती है या बंद हो जाती है, हम तो चाहते हैं बंद हो जाए, रुक जाए, मौसम जो है वो क्लाउडी रहे। देखो यहाँ पर लोग गाड़ी लगा के नज़ारे ले रहे हैं, बहुत टर्न्स बहुत खतरनाक हैं, रोड उतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बट ठीक है। गाइस अब देखिए नज़ारा, हमने यहाँ पे गाड़ी रोकी, इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था तो हमें लगा इसको रुक के ना कैप्चर ज़रूर करना चाहिए। इतने सुंदर रंग बिरंगे घर बनाए हुए हैं, ऊपर शेड टीन डाल के कलरफुल टीन्स हैं, सामने पहाड़ हैं, उन पर बर्फ पड़ी हुई है उसकी पीक पे, बीच में बादल है, इतना सुंदर लग रहा है। नीचे बीच में पता नहीं एक नदी बह रही है, ये क्या है मतलब, और ये टेरेसेस इतने सुंदर लग रहे हैं, जितने खेत सुंदर लगते हैं ना, फार्मिंग कोई भी हो अच्छे से की हुई, जितने खेत प्लेन्स में अच्छे लगते हैं उतने टेरेसेस माउंटेन्स में अच्छे लगते हैं। मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है इनको देख के, इतनी हरियाली देख के इतना सुंदर लग रहा है, इतना मज़ा आ रहा है ना। आप यहाँ पर ज़रूर आना, मैं तो यही बोलूँगी अगर आपको कैंपिंग के लिए आना, आप भद्रवा वाली साइड ज़रूर आएँ, बहुत ही अच्छे यहाँ पर नज़ारे, इतने सुंदर व्यूज़ हैं कि मज़ा ही आ रहा है। और अभी लकीली जो हम सोच रहे थे कि देर से जो हम चाह रहे थे कि बारिश रुक जाए,
तो अभी बारिश रुक चुकी है और हम चाहते हैं अब रुकी रहे, क्लाउडी रहे, बादल रहे, ढेर सारे बादल रहे, लेकिन बारिश ना आए। लंबे लंबे जो देवदार के पेड़ हैं, ऐसे लगता है जैसे इंसान ने खुद लगा कर ये पहाड़ बनाए हो। कितनी अच्छी ब्यूटी लगती है ना, ऐसे लगता है हैंडमेड हो एकदम, एक जैसे पेड़ 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 सीधे सीधे लगते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये पहाड़ों के बीच में से पानी निकलता हुआ, सो मेसमराइजिंग। गाइस, हम चिंता वैली पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो व्यूज तो बहुत अच्छे हैं। ये हम चिंता वैली में हैं, लेकिन अब हमें ढूंढनी है लोकेशन जहाँ पर हम कैंपिंग कर सकें। तो हम ढूंढने जा रहे हैं लोकेशन, जैसे ही मिलती है फिर हम आपको बताते हैं।